नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने जो है इसका सिलेबस देख लिया होगा, और कहीं पर भी यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान के लिए अलग से कोई इसके अंदर हेड नहीं बनाया गया है। तो क्या ये पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा? दोस्तों, यदि हम हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इन सब के बारे में बताया गया है, मगर यूपी स्पेशल के बारे में नहीं बताया गया है। मगर फिर भी दोस्तों, आपको यूपी स्पेशल थोड़ा पढ़ना ज़रूर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे आप डीप में घुस जाइए उसके, मगर उसे पढ़िए ज़रूर, क्योंकि कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रश्न हैं वो यूपी स्पेशल से बनेंगे। यदि आप हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी जो कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हों। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें हम, तो आपको पता होगा कि जो है जो 1857 का जो समय था, उस समय पर उत्तर प्रदेश में कई जगह पर जो है रिवॉल्ट हुआ था। चाहे फिर वो मेरठ की बात करें, बरेली की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसलिए आप यूपी स्पेशल को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यही कह रहे थे कि क्या आप यूपी स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में तो आ ही नहीं रहा है। तो पढ़ना है, मगर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर जो बताया गया है सामान्य जागरूकता वाला, तो इसमें भी जो कुछ प्रश्न हैं वो यूपी स्पेशल से बन सकते हैं। जैसे कि भारतीय पर्यटन स्थल हैं, इसमें भी पर्यटन स्थल ऐसे पूछे जा सकते हैं जो कि यूपी से रिलेटेड हों, या फिर कला एवं संस्कृति से रिलेटेड, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, कोई लेखक ऐसा हो सकता है जो कि यूपी से रिलेटेड हो। तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर उनकी मात्रा कम होगी। मगर यहाँ पर आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पढ़ना है, मगर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों जो हमने सामान्य ज्ञान के अभी तक टेस्ट कराए हैं सब्जेक्ट वाइज, वो उन सभी का आप रिविज़न कर सकते हैं और इस परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएंगे। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।